व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है शोहिक। और गाइस, मेरे पिछले जो मोटो एक्स फाइव का वीडियो है उसमें आया था बहुत सारी पॉजिटिव कमेंट्स, और आप सब लोग जानना चाहते हैं मोटो एक्स फाइव डिवाइस के बारे में और डिटेल्स में। तो आज इस वीडियो में मैं बोलूंगा इस डिवाइस का कॉन्फर्म स्पेसिफिकेशन, क्या क्या फीचर है इस डिवाइस में, इस डिवाइस के प्राइस और रिलीज डेट के बारे में। तो अगर आप लोग मेरा वो मोटो एक्स फाइव वाला वीडियो नहीं देखे है पहले वाला, तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब, और पास में जो बेल बटन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको मिले क्विक नोटिफिकेशन। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले बात करता हूँ मोटो X5 का हाईलाइटेड फीचर के बारे में जो करेगा इस डिवाइस को वर्थ इट। तो सबसे पहले बोलता हूँ कैमरा सेक्शन के बारे में। हमें मिलेगा मोटो X5 डिवाइस में डुअल फ्रंट कैमरा और डुअल बैक कैमरा। जी हाँ, हमें सामने की तरह और पीछे की तरह मोटोरोला मोटो X5 में देखने को मिलेगा डुअल कैमरा सेटअप। और बात करें अगर कैमरा के सेंसर की, तो हमें देखने को मिलेगा रियर साइड में 12 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर, और फ्रंट साइड में आपको देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर। और बात करें अगर डिस्प्ले एंड डिजाइन की, तो हम देखेंगे मोटो X5 डिवाइस में 5.9 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले जो आएगा 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। और हमें देखने को मिलेगा मोटोरोला मोटो X5 में फ्रंट और बैक पैनल में ग्लास पैनल जो कि आएगा एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ। और जो मोटोरोला मोटो X5 का पिक्चर लीक हुआ है उसमें कोई सॉफ्टवेयर बटन हमको नहीं देखने को मिलता है, तो हम आशा कर सकते हैं कि जो फिंगरप्रिंट सेंसर होगा वो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हो, या फिर पीछे की तरफ जो एम का लोगो है वही काम करे फिंगरप्रिंट सेंसर का। और मोटो का ये डिवाइस आएगा IP68 रेटिंग के साथ जो कि है वाटर प्रूफिंग। जी हाँ, और जो पिक्चर लीक हुआ है वो बता रहा है कि हमें देखने को मिलेगा मोटोरोला मोटो X5 में आईफोन 10 की तरह नॉच, तो ये बहुत ही कूल होने वाला है। और बात करें अगर प्रोसेसर की, तो हम पिछले मोटो X4 में देखे थे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 का चिपसेट, तो हम आशा कर सकते हैं कि हमें मोटो X5 में देखने को मिले क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 या फिर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 का चिपसेट। और बात करें अगर रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो हम देखेंगे मोटो X5 में 4GB का रैम वेरिएंट और 64GB का स्टोरेज वेरिएंट। और हम कर पाएंगे स्टोरेज को एक्सपेंड वाया माइक्रो SD कार्ड अप टू 256GB। और हमें देखने को मिलेगा मोटो X5 में मोटो स्मार्ट AI फंक्शनलिटी जो असिस्ट करेगा कोर एंड्रॉइड लाइक नोटिफिकेशन और फेशियल रिकॉग्निशन को। और गाइस, हमें इस डिवाइस में देखने को मिलेगा USB टाइप सी पोर्ट और हेडफोन जैक भी। और अगर बात करें प्राइसिंग की, तो मैं आशा करता हूँ कि ये डिवाइस हमें मिलेगा लगभग 24,000 के नीचे की प्राइस रेंज में। और बात करें अगर रिलीजिंग की, तो मैं आशा करता हूँ कि ये डिवाइस रिलीज होगा MWC 2018 में, क्योंकि लीक यही बता रहा है। और MWC 2018 शुरू होगा फरवरी मंथ के एंड में, तो हम आशा कर सकते हैं कि हमें ये डिवाइस देखने को मिले बहुत ही जल्दी MWC में। और मैं आशा करता हूँ कि ये डिवाइस होगा बहुत ही कमाल का। और गाइस, आप मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको इस डिवाइस में कौन सा फीचर ज़्यादा पसंद आया है और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस डिवाइस में। तो गाइस, बस इतना है इस वीडियो में। आशा रखते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब, और पास में जो बेल बटन है उसे भी दबा देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको मिले क्विक नोटिफिकेशन। और गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दो यार, लिंक सबको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है शोहिक और मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।